लेने के देने पड़े। जब समुद्री पक्षी सीगल और उल्लू साझे में व्यापार करने चले तो उल्लू को दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ा, लेकिन समुद्री पक्षी के पास एक जड़ाऊ हार था जिसे उसने व्यापार में बतौर अपना हिस्सा निवेश कर दिया। दोनों ने तय किया कि किसी दूसरे देश जाकर व्यापार किया जाए। दूर देश जाने के लिए वे दोनों जिस जहाज में यात्रा कर रहे थे वह एक हिमखंड से टकराकर डूब गया। सिर्फ यही दो प्राणी थे जो उड़ सकते थे और उड़कर उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई भी, लेकिन बाकी अपना सब कुछ वे गवा बैठे। इस घटना के बाद से उल्लू ने सदैव रात को बाहर निकलना शुरू कर दिया ताकि लेनदारों की नज़र से बचा रहे। इसी तरह समुद्री पक्षी भी समुद्र के ऊपर चट्टानों के आसपास उड़ने लगा। शिक्षा: निर्बल सदैव बलवानों का आश्रय लेते हैं। थैंक यू।